अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल। और पीटीआई और हुकूमत इस वक्त दोनों जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म पे चल रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आवाम जो है वो दोबारा इमरान खान के साइड आके खड़े हो गए। कल हम देखते हैं कि रैलियां निकलना शुरू हो चुकी हैं मुल्क भर में। इमरान खान ने आज भी एक खिताब किया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद में धरना देंगे, और धरना जब तक दिया जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। फिर एक बार फिर हम वो माहौल देखने जा रहे हैं धरने और एहतजाज का पाकिस्तान में। अगर फिर धरनों की सियासत शुरू होने वाली है, ईद के बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, इस्तीफे दिए जाने वाले हैं। इन तमाम सिचुएशन में बात करेंगे हम अपने आज के गेस्ट सीनियर सहाफी इम्तियाज गुल साहब से। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज गुल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, पीटीआई के सपोर्टर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जानिब नून लीग कह रही है कि इमरान खान फासिस्ट हैं और उनको जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो आवाम है वो दिन दहाड़े जो है वो सड़क पर निकल आती है इमरान खान की सिर्फ एक कॉल पर। तो ये मामला हुकूमत कैसे संभालेगी? आप देखिए, हुकूमत बाहर अपने हिम्मत अमली तैयार कर रही है। अभी भी औरंगजेब साहबा और इस तरह और खान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रहे हैं तमाम इल्जाम लगाने की इमरान खान पे मतलब हमारे इकतसादी मसाइल हैं उनका मलबा डालने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुजाहरों पर एहतजाज करने से पीटीआई अपने मकान हासिल कर ले? एक बड़ा मकसद नए इंतखाबात और ये एक मुतालबा है मुसलसल इमरान खान साहब का। वो मालूम है मौजूदा हुकूमत फौज हमारे अस्करी इदारे ये मुतालबा मान पाएंगे या नहीं, मुतालबा ना माना तो जो सूरत हाल ठीक है हल बन है आया हुकूमत संभाल पाएगी या? ठीक है सर, इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे दी है और कहा है कुछ ही दिनों में ऐलान भी कर देंगे और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे लोग इस्लामाबाद में ही रहेंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो कॉल दे दी है। तो सर मुझे ये बताइए कि इससे पहले जब हमने इस्लामाबाद में धरने देखे थे डी चौक पर, तो उससे तो मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ था, तो एक बार फिर जो हमारा मुल्क है वो नुकसान देखने जा रहा है? देखिए, अगर सिर्फ डी चौक में धरना देना है तो उससे नुकसान से ज्यादा बदनामी ज्यादा होती है मुल्क की। ठीक है, कह रहे हैं बिल्कुल इस्लामाबाद के लिहाज से आखिरी हिस्सा है। जैसे पहले अब्दुल कादिर साहब और इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, उसमें चंद सौ दुकानदार जरूर मुतासर हुए थे जितने ब्लू एरिया के हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इनकन्वीनियंस हुई थी वो सिफारतकारों को हुई थी, वो वफाकी हुकूमत के जो मुद्दे जो सेक्रेटेरिएट आते हैं उनको हुई थी। लिहाजा मुल्क को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये तो तासुर पहले भी इन्होंने की थी जिस जब ये अपोजिशन में थे और ये दोबारा देंगे। बिलाशुमा इस किस्म के धरने या रोड ब्लॉक करना ये किसी भी सूरत अगर किसी एक शख्स नुकसान होता है वो बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। तमाम मेरा अपना ख्याल है कि सियासी जमातों को इस बात एक नया चार्टर करना चाहिए कि ऐसा काम वो नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक हासिल होते हों। ठीक है सर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी अगर तो इलेक्शन होते हैं और दूसरी जानिब नहीं होते? क्योंकि हम देख रहे हैं आवाम में गम गुस्सा फौज के लिए भी है और जजेस के खिलाफ भी और अदालतों के खिलाफ भी बातें की जा रही हैं, तो इस सिचुएशन को हमारी फौज कैसे संभालेगी? क्योंकि आवाम का एक माइंड बिल्ड हो चुका है। अगर हम धरनों की और जलसों की बात करें तो वहाँ आवाम का एक माइंड बिल्ड किया जा चुका है, इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा? देखिए, ये तो अब फौज पे है ना कि वो इस सूरत हाल से कैसे निपटती है। अगर हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं ना करे ना हो तो हाल ये पैदा होगा कि क्या फौज को बुलाया जाएगा? जब फौज बाहर आ जाएगी लोगों के आमने सामने खड़ी होगी तो क्या वो फौज उन लोगों पे फाइटिंग करेगी तशद्दुद करेगी? जो लोग अपनी पार्टी की हुकूमत की वजह से गम और गुस्से में हैं, ठीक है, ये बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान की फौज का। क्या वो लोगों पे गोली चलाए? जी जी सर, मुझे ये बताइएगा इम्पोर्टेड हुकूमत के जो नारे हैं वो दोबारा से सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। आवाम किसी सूरत इस हुकूमत को जो है वो मंजूर नहीं कर रही है। दूसरी जानिब आईएमएफ के प्रोग्राम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। कल पाकिस्तान में आईएमएफ का वफद भी आने वाला है और साथ ही जो है वो पेट्रोल पे प्राइसेस बढ़नी है, डीजल पे प्राइसेस बढ़नी है। हुकूमत ये कह रही है कि ये जो है वो पिछली हुकूमत ने डीजल खरीदा नहीं तो और
इसलिए जो है वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आप बताएं कि ये फिर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो रहा है, यहाँ आवाम की फलाह बहबूद के लिए कौन काम कर रहा है, आवाम के लिए कौन काम कर रहा है? हुकूमत ने कहा था कि हम काम करेंगे, हुकूमत भी वही इल्जाम करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान एक मनहूस चक्कर में फंसा हुआ है। जो भी हुकूमत आती है वो अपने तमाम जो मसाइल हैं सामने होते हैं उसका मलबा पिछली हुकूमत पे डाल देती है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान को दरपेश, वो ये कि पाकिस्तान की हुकूमतदारी का जो काम है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा प्राइवेट ग्रुपों के मफादात, आप ऑयल एंड पेट्रोलियम देख लें, गैस को देख लें, सीमेंट को देख लें, इसको हम कहते हैं कि ये इजारादार ग्रोह है, चाहे ऑटोमोबाइल्स भी है, इन इजारादार ग्रोहों ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर और सियासत के अंदर, पार्लियामान के अंदर अपने मनपसंद लोग रखे हैं, ऐसे उनके लोगों के साथ रवाबित में हैं जो इनके मकासद को आगे बढ़ाते रहते हैं। हुकूमत जो मर्जी आ जाए, ये ग्रोह हुकूमतों को फतेह करने पे और उनको मजीद कंसिस्ट मजबूत होते रहते हैं। तो कितना आसान, अगर इस वक्त तेल और गैस का अगर मसला है तो ये भी ओपेरा की वजह से, और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। अब उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो एजेंट बुनियादी तौर पर वो ओपेरा में बैठे होते हैं, फौरन वो तेल की गैस की कीमतों में इजाफे की समरी भेज देते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में बड़ी मज़ाहमत की वज़ीर आज़म, हर मरतबा कीमतें बढ़ाने के लिए मशवरा दिया जाता था ओपेरा की तरफ से, लेकिन तकरीबन हर मरतबा वज़ीर आज़म ने उसको मुस्तरद किया। इसलिए ये कहना था कि जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएंगे तो उससे बराह रास्त उसका इन्फ्लेशन यानी कीमतों देगा और आम आदमी के लिए मुश्किल पैदा होंगे। ठीक है सर, आम आदमी के लिए तो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हुकूमत की तो हुकूमत में आते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं बताऊं आपको 74 अफराद हैं जो कि जा रहे हैं उम्रा पर, तो सर जिनके खिलाफ जो है वो केसेस हुए हैं वो जमानत पर रिहा हैं, सर ऐसे लोग जा सकते हैं, ऐसे लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, अलाउ है या सिर्फ हमारी हुकूमत ऐसी है या हमारा मुल्क ऐसा है जो इजाज़त दे रहा है? देखिए जनाब, वो जा रहे हम हुक्मरान घराना है, तो जो हुक्मरान होते हैं शाही खानदान होता है वो तो काम अपनी मर्जी से ही करते हैं, जो तो उनके मन में आए वो काम कर लेते हैं, चाहे वो मरियम औरंगजेब साहब हों या मरियम सफदर साहब हों, शहबाज शरीफ हों। सर इनमें खादिम भी शामिल हैं, वो अपने खादिमों को साथ लेकर जा रहे हैं, तो ये आवाम से ज्यादा जो है वो बेहतर सिचुएशन तो इनके खादिमों की है। देखिए, खादिम आला जा रहे हैं तो फिर खादिम अपने खादिमीन को भी तो साथ लेके जाएंगे ना, इसमें हैरानगी क्या बात है। वो तो उनका वो कहेंगे कि हमारी सब आतीद है। अब देखिए ना, दुनिया में इस तरह नहीं होता कि आप अपनी जाती रिहायशगाह को वज़ीर-ए-आज़म हाउस या कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दें। ठीक है, लाहौर में ये तीन घर हैं, तीनों को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का दर्जा दे दिया है, और उसी चक्कर में अब इनकी तमाम तज़ीन व आराइश रेनोवेशन होगी। ये तो शर्म आनी चाहिए वतीरे अख्तियार कर, आपके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, उसके बावजूद आप गरीब आवाम के, यही मतलब जो है असल गरीब आवाम का है, लेकिन वो आवाम पे खर्च तो नहीं जाए इन लोगों के तरह की उम्रों पे और गैर दौरों पे। जी सर, ठीक है जी। जी सर, मुझे ये बताइएगा 23 अफराद ऐसे हैं जिनका ECL से नाम निकाल दिया गया है और उनमें से एक अफराद ऐसे हैं जो उम्रा पे जा रहे हैं, तो सर हुकूमत के आते ही अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और ये चेंजेस आना शुरू हो गए, तो और मैं अगर आपको बताऊं जब इत्तेहादी के वोट डालने की बात आ रही थी तो अगर हम जाम अब्दुल करीम की बात करें जिनके ऊपर कत्ल केस का इल्ज़ाम है सर, वो भी पाकिस्तान आए और उनको भी जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया, तो सर ये हमारा माशरा और हमारी हुकूमत किस तरफ जा रही है, हम नया ट्रेंड बना रहे हैं, तो हमें तो चाहिए कि हम साफ और शफाफ हुकूमत चलाएं, या तो एक नया ट्रेंड बन रहा है जो एक गंदा माहौल पेश कर रहा है पाकिस्तान का दूसरों के सामने। ये नया ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड सिर्फ 3-3.5 साल नहीं था जी, अजम थे तो उनकी हुकूमत के दौरान ये सहाफियों को, सियासतदानों को उम्रे के नाम पे उसके खुद के सहारा पायल लेने का सिलसिला जो था वो तकरीबन खत्म होकर रह गया। तो ये पुराना पाकिस्तान है जिसको ये कहते हैं पुराना पाकिस्तान, और उसमें यही था कि जो बरसर इक्तदार होता है वो अपने इख्तियारात का, कौमी स्टाइल का, जो कि दरअसल
عوام کے ہیں ان کا وہ بہترین استعمال کرتے ہیں قطع نظر اس کے کہ اس ملک عوام کی اکثریت کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امتیاز گل سر, تھینک یو سو مچ سر. اوکے, مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں ہم آپ کو اپڈیٹ رکھتے رہیں گے. الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی ہو رہے ہیں اور کل ہم آپ کو جوائن کریں گے الیکشن کمیشن کے باہر سے. آپ دیکھتے رہیے وائس آف نیشن, اپنی ہوسٹ مہک سہیل کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.